आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पर अभी भी फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरकारी हाई स्कूल को निशाना बनाया गया है और उस पर मोर्टार दागे गए हैं। पाक रेंजर्स की ओर से सरकारी स्कूल पर ये मोर्टार दागे गए। उसके अलावा अरनिया में जम्मू कश्मीर बैंक के पास भी मोर्टार से हमला किया गया। बीती रात की फायरिंग में अब तक बीएसएफ के 3 जवानों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। पाक रेंजर्स की ओर से हो रही इस गोलाबारी में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 लोग तकरीबन जख्मी बताए जा रहे हैं। सीमा पर बीएसएफ के 60 पोस्ट फायरिंग में शामिल है और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से लगातार हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। आरएसपुरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर भारतीय जवान मुस्तैद हैं, मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान की गोलाबारी का और वहां से आ रही मोर्टार शेलिंग का। पाकिस्तान जो फायरिंग कर रहा है खास तौर पर उन इलाकों में कर रहा है जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, इसी वजह से इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं वहां से ताकि नुकसान कम से कम हो, घरों को, स्कूलों को, बच्चों को और साथ ही बूढ़े और जवानों को जो इन गांव में रहते हैं आरएसपुरा, अरनिया और अखनूर के आसपास। इससे पहले आपको बता दें कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 15 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को आपस में बातचीत करके मसला सुलझाने का सुझाव दिया है, उनसे अपील की है। हालांकि दोनों देशों ने इस बात से इनकार कर दिया है, फ्लैग मीटिंग से भी इनकार किया गया है। उधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक एक दिन पहले की थी। इसमें सेना को साफ निर्देश दिया गया था कि पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बीएसएफ के 60 पोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी 4 दिन से जारी है। राजनाथ सिंह को कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं क्या कुछ हो रहा है सीमा पर। इस वक्त बेहद तनावपूर्ण माहौल है वहां पर, सांबा में इस वक्त लोग दहशत में हैं क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से काफी ज्यादा फायरिंग हुई है। यहां पर लोगों ने शरण ली है स्कूलों में और ऐसी जगहों पर जहां पर वो सुरक्षित रह सके। कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से अब खाली हो चुके हैं, यहां से लोगों का पलायन जारी है और सेना भी इस काम में मदद कर रही है। भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो के बेतुके बोल थम नहीं रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने आज फिर ट्वीट किया है कि उनके दो दो बयानों ने हिंदुस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या क्या। कश्मीर बनाएगा पाकिस्तान, ये शब्द है बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कि अध्यक्ष हैं पीपीपी के। और इससे पहले उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया था ये आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा था कि एलओसी पर एक और हमला, लगता है भारत पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल मॉडल अपना रहा है। मोदी को यह एहसास होना चाहिए कि हम गुजरात पीड़ित नहीं है, उनका जवाब दे सकते।